नमस्कार, वैश्य व्यापार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। सलमान खान का पूरा नाम अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान है। ये नाम उनके ग्रैंडफादर और फादर से ट्रेडिशनली उन्हें मिला था। नंबर दो, सलमान खान सिर्फ 12 तक ही पढ़े हैं। वो ग्रेजुएशन कवि वैद्य के बीच में ही उन्होंने कॉलेज छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का मन बना लिया था। नंबर तीन, सलमान शुरू से ही राइटर और डायरेक्टर बनना चाहते थे और एक फिल्म फलक में सलमान खान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम भी किया था, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल फ्लॉप हो गई थी। नंबर चार, सलमान खान ने अपने फिल्मी करियर के लिए अपने फादर के नाम का इस्तेमाल कभी नहीं किया। कई लोग उनसे कहते थे कि वो सबको अपने पिता का नाम बताया करें, इससे उन्हें काम जल्दी मिल जाएगा, लेकिन ये चीज़ सलमान और सलीम दोनों को ही नहीं पसंद था। एक इंटरव्यू के दौरान सलमान ने बताया कि वो हमेशा चाहते थे कि उन्हें फेलियर और सक्सेस अपने दम पर ही मिले। नंबर पाँच, सलमान की ब्लॉकबस्टर फिल्म मैंने प्यार किया, जिसने सलमान को रातों रात सुपरस्टार बना दिया, उस फिल्म की पहली चॉइस सलमान नहीं थे। सूरज प्रजातिया ने पहले दीपक तिजोरी और पीयूष मिश्रा को कंसीडरेशन में रखा हुआ था, लेकिन एक दिन उनकी मुलाकात सलमान से हुई और वो उन्हें देखते ही बहुत इंप्रेस हुए, लेकिन जब सलमान ने ऑडिशन दिया तो उसमें फेल हो गए। चार महीने तक जब फिल्म के लिए कोई लीड हीरो नहीं मिला तो सूरज बरजातिया ने सलमान को ही इस फिल्म के लिए ले लिया। नंबर छः, मैंने प्यार किया कि लीड एक्ट्रेस भाग्यश्री की मुलाकात सलमान से तब हुई जब फिल्म के लिए पोस्टर शूट हो रहा था। जब फोटोग्राफर ने सलमान से कहा कि आपको लड़की को जोर से गले लगाना है, तो इस बात से सलमान घबरा गए और कहा कि मैं बिना उनकी परमिशन के उन्हें गले नहीं लगा सकता, आप एक बार उनसे भी पूछ लीजिए तभी मैं ये करूँगा। ये बात भाग्यश्री ने एक इंटरव्यू में बताई और कहा कि इसके बाद सलमान के प्रति उनका नजरिया बदल गया था, क्योंकि उस वक्त एक्ट्रेस को इतनी इज्जत नहीं मिलती थी। नंबर सात, मनीष पहल को मैंने प्यार किया मैं विलन का वो सलमान की वजह से ही मिला था, क्योंकि सलमान और सूरज बरजातिया छोटे समय में ही अच्छे दोस्त बन गए थे। नंबर आठ, मैंने प्यार किया फिल्म बनने के पहले सलमान को 31,000 में साइन किया गया था, लेकिन फिल्म हिट होने के बाद सलमान को पूरे 75,000 दिए गए थे। नंबर नौ, फिल्म मैंने प्यार किया कि सुपर हिट होने के बाद भी 6 महीने तक सलमान को कोई फिल्म नहीं मिली, तो उनके पिता सलीम ने अपने दोस्त जेपी शेट्टी को, जो कि शोले के प्रोड्यूसर थे, से रिक्वेस्ट की कि आप ऐसे ही अनाउंस कर दीजिए कि आपने अपनी फिल्म के लिए सलमान को साइन कर लिया है, तो इस र्यूमर की वजह से उसे अच्छी फिल्मों के ऑफर आ जाएंगे। नंबर 10, फिल्म बाजीगर सबसे पहले सलमान को ऑफर हुई थी, लेकिन वो स्टेज पर नेगेटिव रोल नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद ये फिल्म शाहरुख खान को मिल गई। नंबर 11, सलमान के सुपरस्टार बनने के बाद उनकी पहली पब्लिकली एक्सेप्टेड गर्लफ्रेंड बनी संगीता बजलानी। उस वक्त संगीता बहुत फेमस मॉडल हुआ करती थी और दोनों एक दूसरे को 2 साल तक डेट कर चुके थे। नंबर 12, कॉफी विद करण में सलमान ने कन्फेस किया कि संगीता के साथ शादी के उनके कार्ड भी छप चुके थे, लेकिन कुछ पर्सनल रीजन के चलते शादी नहीं हो पाई और माना जाता है कि उसकी वजह थी सोमी अली। नंबर 13, सोमी अली जो कि एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, उन्हें धर्मेंद्र अपने छोटे बेटे बॉबी देओल के साथ 1992 में एक रोमांटिक फिल्म से लॉन्च करने वाले थे। सोमी को फिल्म के लिए साइन भी कर लिया गया था, लेकिन सलमान के कहने पर सोमी ने उस फिल्म को छोड़ दिया और सलमान के साथ दूसरी फिल्म साइन कर ली। नंबर 14, सलमान और सोमी के अफेयर के साथ साथ उनकी एक फिल्म आने वाली थी बुलंद, जिसकी 80% शूटिंग हो चुकी थी, पर कई गुप्त कारणों की वजह से इसे पूरा नहीं किया गया। नंबर 15, जब सलमान और ऐश्वर्या के अलग होने की न्यूज आई तो इसे बहुत कॉन्ट्रोवर्सी करके दिखाया गया, और उसमें एक ही सच है, जब सलमान एक रात ऐश्वर्या के घर के नीचे चीखने चिल्लाने लगे। एक इंटरव्यू के दौरान सलमान ने बताया कि ये बात सच थी और अब उस सोसाइटी में सलमान का जाना मना है। नंबर 16, सलमान एक ब्रेसलेट पहनते हैं, ये ब्रेसलेट उनके फादर ने उन्हें 2002 में दिया था, जब उनका बहुत बुरा वक्त था। सलीम ने एक ब्रेसलेट अपने लिए रखा और दूसरा सलमान को दिया। सलमान का कहना है कि ये ब्रेसलेट उनके लिए बहुत लकी है।
नंबर 17, सबको पता है कि फिल्म तेरे नाम का हेयर स्टाइल एक टाइम पर कितना फेमस हुआ था, पर क्या आपको पता है कि शूटिंग के दौरान सलमान की डायरेक्टर से लड़ाई हो गई थी और गुस्से में सलमान ने अपने पूरे बाल शेव कर दिए थे। नंबर 18, फिल्म एक था टाइगर के लिए पहले कैटरीना कैफ और शाहरुख को लिया गया था, लेकिन जब शाहरुख ने इस फिल्म को मना कर दिया तो वो कैटरीना ही थी जिसने कबीर को कहा कि वो इस फिल्म के लिए सलमान को भी ले सकते हैं। बस यहीं से कबीर और सलमान की मुलाकात हुई। उसके बाद कबीर ने सलमान के साथ बजरंगी भाईजान और ट्यूबलाइट में भी काम किया। नंबर 19, हर साल 100 करोड़ से भी ज्यादा इनकम करने वाले सलमान अभी भी बैंड्रा के 3 रूम फ्लैट में ही रहते हैं। ये घर उनके फादर सलीम ने अपने पैसों से लिया था। उनका मानना है कि ये घर उनके लिए बहुत लकी है और वो इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। नंबर 20, सलमान खान भारत के पहले एक्टर है जिनकी 4 फिल्मों ने 300 करोड़ का डोमेस्टिक बिजनेस किया है। वो 4 फिल्में किक, सुल्तान, बजरंगी भाईजान और प्रेम रतन धन पायो। नंबर 21, सलमान खान को डेविएटेड नेसल सेप्टम की बीमारी है जिसकी वजह से उनकी नाक 80% ब्लॉक्ड रहती है। इसी वजह से सलमान खान कम से कम रनिंग सीन करते हैं और उनकी जगह डुप्लीकेट यूज किया जाता है। नंबर 22, सलमान के पिता बहुत बड़े राइटर हैं और सभी जानते हैं कि उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों की कहानी लिखी है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सलमान भी राइटिंग करते हैं और चंद्रमुखी, वीर और बाकी की कहानी उन्होंने ही लिखी है। नंबर 23, फिल्म वेव गति की शूटिंग में जब सलमान एक फाइटिंग सीन शूट कर रहे थे तब उस वक्त एजाज नाम के स्टंटमैन को बहुत ज्यादा चोट आ गई थी। उस वक्त प्रोड्यूसर ने उनके इलाज के पैसे देने से मना कर दिया था, लेकिन सलमान खुद उसे हॉस्पिटल ले गए और इलाज के सारे पैसे भी दिए। एजाज का कहना है कि आज वो अगर जिंदा है तो सिर्फ सलमान की वजह से। नंबर 24, सलमान एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने बहुत सारे फिल्म में नई एक्ट्रेस के साथ काम किया है और उनका ऐसा मानना है कि न्यू कमर को चांस जरूर देना चाहिए क्योंकि एक टाइम पे उन्हें भी किसी ने चांस दिया था। नंबर 25, जब 2014 में सलमान को जोधपुर जेल में एनरोल किया जा रहा था तो फॉर्म में उनका रिलीजन जब पूछा गया तो उन्होंने लिखा इंडियन। एक इंटरव्यू में सलमान ने बताया कि उनके फादर मुस्लिम हैं और मदर हिंदू, तो उन्हें कभी समझ में ही नहीं आया कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई क्या होती है। अब वो अपने आप को इंडियन मानते हैं। नंबर 26, फिल्म दबंग 1 की शूटिंग के दौरान सलमान ने सोनू सूद को गलती से बहुत जोर से पंच कर दिया था जिससे सोनू की नाक टूट गई थी, लेकिन सोनू ने तब भी 5-6 दिन इंजर्ड रहते हुए पूरी शूटिंग की और सलमान ने उसे तहे दिल से माफी भी मांगी। नंबर 27, फिल्म ट्यूबलाइट जब फ्लॉप हो गई तो सलमान को भी लॉस हुआ। सलमान की पिछली फिल्म को देखते हुए सोचा गया कि ये फिल्म 200 करोड़ आराम से कमा लेगी और इसी वजह से डिस्ट्रीब्यूटर को फिल्म महंगी बेची गई थी। जब ट्यूबलाइट फ्लॉप हो गई और ज्यादा नहीं कमा पाई तो सलमान ने खुद अपनी जेब से 32 करोड़ लौटा दिए ताकि डिस्ट्रीब्यूटर के लॉस कम हो जाएं। नंबर 28, सलमान ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा गेस्ट अपीयरेंस दिए हैं। सलमान अब तक 25 फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस दे चुके हैं। उनका मानना है कि अगर उनके 5 मिनट आने से किसी की फिल्म चल जाती है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 30, आपको बता दें कि सलमान को मैंने प्यार किया में बेस्ट एविडेंट और कुछ कुछ होता में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए अवार्ड मिला था, लेकिन उसके बाद सलमान को कभी कोई अवार्ड नहीं मिला। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज़। नमस्कार।